हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ द डब्ल्यू टी आई टॉक्स अब जैसे ही सी एस एस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं अगले आने वाले हैं तो इसके दरमियान रिज़ल्ट एंटिसपेटेड हैं इन्हीं रिज़ल्ट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकल का इसके अंदर दो इश्यूज़ हैं यहाँ तो स्टूडेंट्स कुछ इसको इंपॉटेंस इतनी नहीं देते जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है एंड सेकेंडली कुछ इसके, इसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन भी हैं एंड एज आई सेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हमने आज इन्विटेशन दी है इसी सिलसिले में मिसेस कोमल फैसल को Uh, she holds a PhD in psychology. Uh, she has been in the field for the past twenty-six years. Um, Inka additional uh, diploma, advanced diploma in clinical psychology, be it or skill a certification in process. or be the certifications there. She is a professional trainer, both public and private sector And of course, she renders her services for the Public Service Commission and Civil Services Academy of Pakistan. Miss, thank you so much for being with us today. अच्छा मैं सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया ये थोड़ी सी एक मिथ या मिसकनसप्शन है अमंग्स द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स कि इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है साइकोलॉजिकल की तो काइंडली मैं शुरू में आप चाहूँगा कि आप थोड़ा एनलाइटन करें हमें ऑडियंस को कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ साइकोलॉजिकल जो है ओके आई डू एग्री जो आप कह रहे हो कि मिथ्स बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से कैंडिडेट इसको बहुत लाइटली लेते हैं मैं हमेशा एज ए साइकोलॉजिस्ट कहती हूँ कि जो एकेडमिक उनका होता है वो सबसे आसान तरीन होता है क्योंकि वो उसके लिए वो वेल ट्रेनड हैं उन्होंने बैचलर्स किया होता है मास्टर्स किया होता है उनको पढ़ना एग्जाम्स देना इज़ फाइन ये वो स्टेप होता है जहाँ पर मैक्सिमम लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ लाइक एन एकेडमिक टेस्ट जिसमें हम रट्टे लगाएंगे आंसर्स के रट्टे लगा लेंगे और वो पास कर जाएंगे ये सबसे बड़ा मिसकनसैप्शन होता है एंड यू नो इसके कोई रटे रटाए आंसर्स नहीं होते वो वहाँ जाके बिल्कुल अपोज़िट बातें लिखाते हैं फिर वो इंटरव्यू में कुछ और कहना शुरू कर देते हैं फिर वो इतनी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि उनके साइकोमेट्रिक रिजल्ट में एंड वैन दे सेट इन द इंटरव्यू वो सिर्फ इस वजह से होता है कि बिकॉज वो प्रॉपरली प्रिपेर्ड नहीं होते और इस एलिमेंट को वो टोटली ओवर लुक करते हैं कि जी साइकोलॉजिकल है वो तो ऐसी बातें ही हैं आसान होते हैं टेस्ट वो जी पिक्चर बनानी ये बनाना एक्चुअली वो इस वजह थोड़ से थोड़े से नॉन सीरियस हो जाते हैं और वो जो टाइम उनका प्रिपरेशन का होता है और अपने ऊपर जो थोड़ा सा इशूज उनके होते हैं उस पर वर्क करने की बजाय आई थिंक दे वेस्ट दैट टाइम सो दैट इज समथिंग वी फिक्स इट अप राइट इसके ऊपर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन

तो मैं तो बैलेंस देखती हूँ सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का बैलेंस होना चाहिए आई वॉन्ट अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट अ पर्सन हु इज़ नॉट रिएक्टिव हु इज़ रिस्पॉन्सिव उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बड़े प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जान के पूछते हैं अब वहाँ पर जो बच्चा रिस्पांस दे गया ही नोज़ द वे बट अगर जो रिएक्ट कर गया वो मसला हो जाता है फिर इतने ओवरवेलम हुए होते हैं कि उनकी एन्ज़ाइटीज़ उन बग़ैर वो कुछ कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो रही होती है सो so, वो नहीं कर पाते फिर सम हाउ दी अदर आई डोंट नो वाई ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है हालांकि वो बच्चों को इतनी दफ़ा समझाया पढ़ाया भी जाता है कि जो ये बहुत से उन बच्चों को मैंने देखा है जो प्रॉब्ली Um, थोड़े नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं या इंटीरियर चीन से आ रहे हैं तो वो इतने थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स हुए होते हैं तो वो बेचारे हालांकि इनमें इतनी पोटेंशल्टीज़ और एबिलिटीज़ होती हैं बट वो एट दैट टाइम वो पुअर सेल्फ इस्टीम या कॉन्फिडेंस की वजह से वो डिलीवर ही नहीं कर पाते हालांकि उनमें टैलेंट भी होता है स्किल्स भी होते हैं बट वो उन्होंने उस पर काम नहीं किया होता सो so, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें मुझे उसमें से

एक्स्ट्रोवर्शन इमोशनल स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ों का असेस करना है डिफरेंट टेस्ट ये सारा कुछ वही तो असेस कर रहे होते हैं आपके अंदर कॉन्फ्लिक कितना है आप कॉन्फिडेंट कितने हो कन्फ्यूजनस hmm. आपकी ज़िंदगी में क्या हैं क्या आपकी ज़िंदगी की कोई सेटबैक्स हुए हुए जिस जो शॉर्ट ऑफ लिटल बिट ऑफ ट्रामा भी अगर हुआ है क्या यू आर स्टिल हैंगिंग ऑन टू दिस आपकी थिंकिंग क्या है आई यू आर डिप्रेस पर्सन

कि अगर मैं एक बड़ा ही प्रोवके जो कि मैं पूछती भी हूँ काफ़ी ऐसे प्रोवोकेटिव क्वेश्चन हैं जो शायद आपके अंदर एंगर इंस्टिकेट करने के लिए ही किए जा रहे हैं टू सी योर टॉलरेंस कि कल को आपको दफ्तर में लोगों ने आके शायद गालियाँ भी देनी है कॉमन मैन ने आपने तो हैंडल तो सिटीजन्स के साथ ही करना ना आपने उनको तो क्या अगर वो आपको डांट रहे हैं तो आप भी उनके साथ वही लैंग्वेज में आएंगे या आप अपना कंपोजर दिखाएंगे सो so, अगर मैं एक बच्चे से कुछ ऐसी बात पूछती हूँ और वो कह रहे हैं नो मैम नाउ दिस इज हिज रिएक्शन इंस्टेंट उसने दिया मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्ड कर गया रिएक्ट कर गया है. और अगर वो यही कोई क्वेश्चन ऐसा है और मैं उससे कुछ ऐसी बात करती हूँ तो वो बड़ा पोलाइटली कहते हैं कि येस मैडम कुड बी पॉसिबल यू नो नाउ दिस इज हाउ इज हैंडलिंग ही इज गिविंग मी योर रिस्पॉन्स सो अ पर्सन हु इज गिविंग मी योर रिस्पॉन्स आई थिंक ही इज अ वन हुड्स टू बी इन द ऑफिस बिकॉज इसने बहुत सी चीज़ों को हैंडल करना है बहुत से मैटर को हैंडल करना है और वो रिस्पॉन्ड करके ही हैंडल होगा

उस, उस देखिए हम बहुत से साइकोमेट्रिक यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द साइकोमेट्रिक जो हम यूज करते हैं उसमें हम आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेस जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की है कुछ और भी ट्रेट्स होते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं अब अगर हम आपको कह देते हैं कि अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखे हो एक पेज लिखो या एक हम आपको परफॉर्मा दे देते हैं जिसमें आपके बारे में है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में है हम आपको पिक्चर्स दे देते हैं मे बी यू हैव टू राइट अ स्मॉल राइट अप राइट और मे बी मे बी वी गिव यू फ्यू शीट्स वेर यू हैव टू मेक कपल ऑफ ड्राॅइंग्स आपको ड्राॅइंग्स बनानी है राइट right? या हम आपको कुछ सेंटेंस कंप्लीस दे देते हैं कुछ वर्ड टेस्ट दे देते हैं वो सारा कुछ बेसिकली ये सारी जो ड्रिल हो रही है वो कैंडिडेट को बच्चे को पता नहीं चलता वो एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी के जो इनर ट्रेट्स हैं वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसके ऊपर राइट right. देखिए ना अब एक सवाल पे वो लिखता है आई एंजॉय द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स ठीक है उसने लिख दिया फिर इनफ आगे जाके लिखता है आई एंजॉय टू बी अलोन अब दिस इज अ इज इन हिज पर्सनैलिटी राइट गॉट माई पॉइंट सो इस तरह से जब हम ये टेस्ट वगैरह सारा कुछ ले रहे होते हैं तो हम इन ट्रेड्स की तरफ देख रहे होते हैं ठीक है सो so, वो इसमें कोई एकेडमिक तैयारी तो है नहीं वो बच्चे एकेडमिकली उसको तो रटवट के आ जाते हैं तो वो फिर एक कुछ थीम दे रहा होता है एक और एक ही बच्चा चार पांच थीम दे देता है अब वो ये अगर पांच छह थीम देगा तो मींस देर इज सच अ बिग ह्यूज कंफ्यूजन इन हिज पर्सनालिटी देर इज नो कंसिस्टेंसी इन हिज पर्सनालिटी

एक ही क्वेश्चन को स्पिन किया जाता है दोनों दो तीन एस्पेक्ट से लेकिन वो, वो जब आप टाइम बेस्ट कर रहे होंगे ना तो आपके पास इतना टाइम टाइम नहीं होता कि आप इतना डीपर एनालिसिस करें व्हेन यू आर डूइंग अ टेस्ट जो हम साइकोमेट्रिक्स एक्चुअलिटी में प्रैक्टिस करते हैं कोई आठ मिनट का है कोई ट्वेंटी फाइव मिनट का है तो उसमें आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इतना इनडेप्थ एनालिसिस करें राइट सो टाइम बेस में तो आपका ओरिजिनल ही निकलेगा बिल्कुल ठीक है अच्छा आपने जैसे आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है यू

एक तो उनके ऊपर इतने सोशल और सोसाइटियल प्रेशर्स होते हैं कि करना है करना है, करना, है, करना है वो बेचारे इसमें दे स्टॉप वर्किंग ऑन दमसेल्व आपके रिटर्न से साइकोलॉजिकल का जो पीरियड होता है वो बेस्ट पीरियड है जब आप अपने ऊपर टाइम लगाएं इस इधर उधर से हम पूछ रहे हैं तुम्हारे में क्या आया था नो स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन योर एनजाइटी योर स्ट्रेस मैनेजमेंट योर स्पीच योर बॉडी लैंग्वेज द वे यू वॉक इन द वे यू सेट द वे यू ग्रीर इस पर काम करो अपनी एन्जाइटी को ठीक करो अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो अपनी डेली रूटीन को सेट करो मेक इट मोर हेल्थी आर सो यू आर नॉट दीज थिंग्स आर नॉट टेकिंग अ टॉल ऑन यू ताकि आप जिस दिन वो बिग डे आपके लिए है तो आप इतने कन्फ्यूज ना लगें ना ही आप अपने आप को इतना ज़्यादा एंक्शस दिखाएं ना आपके हाथ कांपरे आप देखें वह एक इसने ऐसे पकड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल चेयर को तो आम बंदा समझेगा वैसे हाथ रखा हुआ साइकोलॉजिस्ट इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन लेगा ही सो ही इज लुकिंग फॉर अ सपोर्ट सी राइट सो अ स्लाइट हैंड मूवमेंट ऑफ योर्स माइट बी अ रैंडम बट एट दैट मोमेंट वी आर नॉट टेकिंग इट एज रैंडम वी आर इन अ डिफरेंट इंटरप्रिटेरिंगर सो ये आपको एक ओवरऑल आपके पास वो जो टाइम मिलता है गैप होता है उसमें दाएँ बाएँ मेरे ख्याल से बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं करते हैं वो क्या कर रहे हैं रट्टे लगाई जा रहे हैं इस टेस्ट का रट्टा उस टेस्ट का रट्टा भाई आपको ओवरऑल अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम करने से मतलब what do you, what okay. do you mean? मुझे लगता है कि अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि आप ये रियलाइज करें कि अगर मैं थोड़ी एंशस हूँ या मेरे मेरे ऊपर प्रेशर नहीं लिया जा रहा तो मुझे कुछ थोड़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी चाहिए पहली बात है mm -hmm. उसके बाद अगर आपकी स्पीच का इशू है तो यू नीड टू सेट एन यू नो प्रैक्टिस योर स्पीच अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है जैसे मैं अक्सर बच्चों को जब प्रैक्टिस करवाती हूँ तो अगर उन्होंने कोई स्पीच बोलनी होती है आई ऑलवेज टेल दम कि ओके ना यू डूइंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट मेक अ वीडियो योर सो दे दे रिकॉर्ड देयर ओन एक्शंस एंड देन आई देन आई शो दिन द वीडियो नाउ सी ड्यू थिंक वेयर यूर गोइंग रॉन्ग यू टेल मी सो दिस इज़ वेयर योर गोइंग रॉन्ग देन दे से ओके मैम ये करना चाहिए ये करना चाहिए इसको येस सो आप इस पर काम करो ना ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको हम एज अ साइकोलॉजी ओवरऑल आपको असेस करें आपके बिहेवियर को आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपके वॉइस टोन को आपके एक्सप्रेशन को आप आई कॉन्टैक्ट जो है इधर उधर घुमा रहे घुमाें यू शुड नॉट बी डूइंग इट राइट या फिर जान के आप ग्लासेस इतनी डार्क पहन गए हैं जो टू अवॉइड दैट क्या आपको uh, नज़र की लगी हुई लेकिन आपने स्मार्टनेस में उसको टेंट करवाया हुआ तो यू नो दीज आर द स्टंट्स दिच किड्स डू

जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट uh, की बात कर रहे हो या ड्यूरिंग दॉ अच्छा स्टेप बाई स्टेप कर लेते हैं देखिए टेस्ट में uh, एक किसी भी कैंडिडेट को जो वो एक uh, कहते हैं जी टाइम थोड़ा था फॉर एग्जांपल जी मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ टाइम थोड़ा गया था या नहीं था आपने किसी टेस्ट को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना यू हैव टू डू इट ये बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और रीज़न वो दे जाते हैं कि जी टाइम नहीं था अब उनका जो अनफिनिश टेस्ट है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है वेयर आई आई मीन बच्चा सोचता भी नहीं कि उसकी क्या इंटरप्रटेशन है एक वो ये कर जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा बच्चे जो मैंने टेस्ट में जो रिटर्न टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोमेट्रिक्स होते हैं उसमें बड़ा मसला हम होता है क्रॉस करेंगे लिखेंगे काटेंगे फिर लिखेंगे काटेंगे दैट इज़ अगेन अ लीथल थिंग दे आर डूइंग इट फॉर दमसेल्फ ये बहुत एक कॉमनिस्ट है जो अब रिटर्न में कर जाते हैं ठीक है फिर जब के उनको बताया जाता है कि उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो शायद वो इंस्ट्रक्शंस को सुनते भी नहीं हैं उस वक्त इतने अटेंटिव ही नहीं होते सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं प्लीज़ फॉलो दैम राइट और इधर दाएँ बाएँ देख देख के आंसर कॉपी ना करें क्योंकि हमारे अंदर एक हैबिचुअली इनहेरेंट हमारे स्टूडेंट्स की है कि हमने उधर ज़रूर देखना है yes. इधर ज़रूर देखना है वो मेरी यूनिवर्सिटी में तो कोई टॉपर भी होगा वो भी देखता है <laughs> तो मैं पूछती हूँ क्यों देख वैसे ही मैम जब आप उधर देख के अपने आंसर्स को उसके मुताबिक करते हैं मत करें राइट right? अगर आपको कोई रेटिंग स्केल दिया जाता है आप अननेसेसरी हाई रेटिंग्स दे रहे होते हैं कि शायद ये एकेडमिक टेस्ट है इसमें हाई रेटिंग ज्यादा होंगी तो मेरे स्कोर mm -hmm. अच्छे आएंगे पता चलता है वो एनजाइटी <laughs> स्केल था और उसमें मैक्सिमम स्कोर आप ले गए यू नो आई आई ऑलवेज टेल आईज सम्स इन साइकोलॉजिकल टेस्ट इज गुड टू फेल राइट बिकॉज दैट कैन गो एडवर्स फॉर यू बिकॉजिटिव हाँ अगर लो स्कोर है तो आई मीन लाइक आप वो क्या कर रहे हैं आप दाएं बाई दूसरे का देख रहे हैं डोंट डू do. बिल्कुल नहीं आपने किसी का देखना

ठीक okay. है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनरियलिस्टिकली आप एक चीज है जिसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है या मतलब तो कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक बातें मत लिखें कोई फैंटसीज मत लिखें hmm. राइट क्योंकि अगर वो कोई पिक्चर्स दी हुए कुछ ऐसे सीनारी दिए हुए विच आर रियालिटी बेस्ड सो डोंट ट्राई टू ब्रिंग फैंटेसी एंड बी ग्राउंडेड ऑन द रियलिटी जो आपके मेरी हम सब की जिंदगी में होता है बस आप वो लिखें ट्राई टू बी नॉर्मल राइट ट्राई टू बी नॉर्मल वो इसी तरह मैं इसमें ऑस्कर वाइल्ड की कोट हमेशा कोट करता हूं कि बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन या अपना इंडिविजुअल रेंज हो ऑनेस्ट बिल्कुल बिकॉज़ देखो आप अपने आप को प्रेजेंट करने गई हो Absolutely. ना आपने तो व्हाई आर यू लुकिंग हियर एंड देयर सो उसमें आप Uh, कई बच्चे बच्चियाँ होते हैं वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो इतनी एक्टिंग कर रहे होते हैं ना तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी इतना अकड़ा और इस तरह से मुंह टेढ़े वेड़े करके बोल रहे थे तो तो वो उनके लिए uh, वो हो जाते हैं और इसके कंपैरिजन में एक बच्चा आता है जिसके प्रॉब्ली वोकल्स इंग्लिश इतना अच्छा नहीं लेकिन वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त दे जाता है सो ही गेट सिलेक्टेड राइट सो वो उसमें वो तीतर बटेर वाली उस सिलसिला ना करें अपने साथ और अपने ऊपर काम करें ओरिजिनल आंसर्स दें अनड्यू बहुत ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपकी बिल्कुल नहीं ओरिजिनल ऑनेस्ट हाँ मतलब जितने आप रह सकते हैं मतलब और एक चीज yeah. <laughs> बहुत इंपॉर्टेंट ये कि अननेसेसरी जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ना करें ओके okay. अच्छा अब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है क्या आपने कोई मैंने लिखी बात अब वो बातें ही ऐसी लिखी होती कि वो आपको टेम्प्ट करती हैं हमने देनी ऐसी है ऐसी कि हम आपको टेम्प्ट करें और आप यू ओपन द पेंडोराज बॉक्स ओके तो डोंट जनरेट आई मीन लाइक इंटरव्यूज में भी और जो अदरवाइज इंटरक्शन भी होती हैं डोंट डोंट गिव अनसेसरी इन्फॉर्मेशन वो आप एक से एक फिर वो आपके लिए ही प्रॉबेटिक बन जाती है सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट राइट तो वो अगर आपसे हम दर्दी में अगर पूछ लेते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं वो हम ऐसे ही देते हैं कि वो हर इंसान की जिंदगी के किसी दुख को छेड़ता है तो अब वो ठीक है हम सबकी लाइफ में है सो वॉट्स बिग डील ओपन इट देयर डोन्ट गिव दम दिस फीलिंग दैट यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू समिंग नेगेटिव इन योर लाइफ विच हैपन सोल देखें अगर आपकी लाइफ में कुछ गॉड फॉर समथिंग बैड हैपन गुड साइड टू राइट इफ यू हैव फ्लंक दैट डज नॉट मीन यू टू है आप अपने फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर बताएं पॉजिटिव स्टांस विद इज वॉट पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मीन रेजिलियंस जब आप पॉजिटिव होंगे तो रेजिलियंस भी आ जाएगी

बट वो अपनी कंपोजर दिखाए वो बातें कर रहा है साथ एक सर बैठे मैम बैठी उनसे बातें बाते, बाते, करते 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 ऑफ द कॉन्वर्सेशन अचानक मैंने बोल दिया सन ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन अपने एंगर को रेट करो अब वो किसी और का आंसर कर रहा था और बीच में मैंने अपने क्वेश्चन को डाल दिया कि बेटा आप रेट करेंगे कहते रहे नाइन आई गॉट इट वोट आई वॉज लुकिंग फॉर राइट सो वो शायद uh, उसने

देखो फर्स्ट आई थिंक कुछ स्टेप्स हैं पहली बात उसमें हम थोड़ा सा पोर्शन आपका जो आई क्यू टेस्टिंग लॉजिकल रीजनिंग होता है वो तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब देते हैं तो उसके लिए आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है बिल्कुल दैट्स लाइक मोर लाइक एकेडमिक काइंड ऑफ अ थिंग राइट उसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह है वो पोर्शन आपका स्कोर अलहदा से आ जाता है वो तो पोर्शन हो गया अब उसको उतनी सीरियसनेस से जितनी सीरियसनेस ने आपने पहले की प्रेप की अब हम इस वाले पर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वही बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि आप इसकी इम्पॉर्टेंस को एक्सेप्ट करें पहली बात दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पर्सनालिटी के जो टेस्ट देना चाहूँगी और जो हमारे आगे जो हमारे साइकोमेट्रिक्स होते हैं उससे पहले ठीक है मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही हूँ मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि जी कौन कौन से टेस्ट होते हैं कौन से प्रॉबिलिटी हैं या डेटा हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं वो हम करते हैं बट उन टेस्ट से करने से पहले मुझे कुछ कुछ चीज़ों का आई थिंक मुझे नॉलेज होना चाहिए राइट mm -hmm. right? कि अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या मुझे कुछ अपनी लाइफ में मेरी कॉन्फ्लिक्ट बिलीव में वी नीड टू सॉर्ट इट आउट बिफोर डूइंग दैट बिकॉज वो कहीं कही ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको नहीं। पता नहीं चलेगा सो so आपको उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है मुझे परेशानी भी होती है तकलीफ भी होती है कि बच्चे फिर वो इतना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमने इतना कुछ किया मेरा स्कोर ये भी आया था सब कुछ आया था फिर मैं नहीं या मैं नहीं कर सका ये कर सकी बिकॉज आपको थोड़ा सा एफर्ट जिस डायरेक्शन में चाहिए था आपने नहीं किया सो so, इस प्रपरीशन से पहले एक टाइम आप स्पेंड करें अपने साथ मुझे लगता है कि इन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आप कहीं से भी जाके आप प्रपरेशन लेते हैं उसके साथ साथ मेरे नज़दीक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ अरसे के लिए बल्कि लाइफ लॉन्ग अपने अपनी हेल्थ के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्योंकि बहुत स्ट्रेनवस सारा फिनना होता है उसके लिए आप एक कुछ 10-15 मिनट डेली बेसिस पे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपकी हैबिट होनी चाहिए वो चाहे डीप ब्रीदिंग है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है माइंडफुलनेस है या आपकी 10-15 मिनट की वॉक है बिलीव मी इट इज़ अब फॉर ऑल ऑफ अस

सो so, प्रिवेंटिवली हम थोड़ा सा अगर इन पे फोकस करें उसके बाद हम आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इनको हमें करने के क्या तरीके आने चाहिए और हमें उसको अपने साथ किस तरह से इनकॉपरेट करना है कि ये टेस्ट मेरी पर्सनालिटी के बारे में ये टेस्ट मेरे इस चीज़ को असेस कर रहा है तो क्या एक्चुअली मैं ऐसा हूँ कि नहीं क्योंकि अगर आप कुछ बनने की कोशिश वहाँ करेंगे तो एक नहीं दो नहीं तीन चार टेस्ट होते हैं उसमें किसी में आप पकड़े जाएंगे बिल्कुल अगर नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू में कुछ उलट बोल देंगे सो so ये सारी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए योर बिहेवियर योर परफॉर्मेंस दिस शुड बी इन अलाइनमेंट और उस बिहेवियर को आप इंटरव्यू में शो करें आप उससे पहले करें और या फिर आपके जो टेस्ट से पहले आप प्रेपरेशन बिहेवियल प्रेपरेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मसला है कि आप टेस्ट प्रपरेशन कर रहे हैं पर बिहेवियल नहीं कर रहे इस बात पे मेजर मार इस बात पे खा जाते हैं ठीक है ना कि आप कहाँ पर रहे हैं टांगे हिल रही हैं पसीना आ रहा है अब ये क्या हो रहा है आपने वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया सो मुझे लगता है कि कोई भी हम प्रिप्रेटरी प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि दे नीड्स टू टेक लर्न हाउ टू टेक प्रेशर अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी एन्जाइटी मैनेजमेंट प्रेशर वर्कलोड मैनेजमेंट ये सब हमें जैसे जैसे हम उनको तैयार करते हैं साथ ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और कैंडिडेट जब किसी भी जगह पर अपनी प्रेप के लिए जाते हैं तो दे शुड नॉट टेक दिस मॉड्यूल लाइटली दिस इज द बेस ऑफ योर परफॉर्मेंस ये आप देखिए ना आप एक दो महीने बैठ के अपनी प्रेप करते हैं कहीं से और फिर आखिर दिन पूछते हैं जी मुझे बड़ी एनजाइटी होती है तो अब क्या कर सकते हैं अगले हफ्ते आपका टेस्ट अब क्या करें हम hmm. अब तो कुछ नहीं हो सकता अब गो So, क्या ये नहीं बेहतर कि हम पहले उससे अपनी जब प्रेप से पहले जब हम एक मॉड्यूल हमारा सारा इस पर ही हो लेकिन बात यह कि हम डिलीवर तो कर देंगे बात यह कि आपको बहुत सीरियसली देखना है बच्चों को ये बच्चों को समझना चाहिए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वहां पर क्योंकि इट्स अ हाई प्रेशर सिचुएशन दट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन राइट इवन बच्चे फिल्टर भी होके आएंगे तो अच्छा खासा नंबर ऑफ पीपल कम तो देंगे तो ये लोग सारे टेस्ट सो so, इस स्पेस में इससे पहले आई थिंक मुझे तो लगता है कि अगर मेरे बस में तो ये मॉड्यूल में कंपलसरी करूँ बिहेवियर मॉड्यूल इसमें आप उसको स्किल्स दे रहे हैं ना एम्पावरमेंट स्किल्स दे रहे हैं आप थोड़ा सा वर्क करवा रहे हैं उनको अपने ऊपर सो so, अगर वो एक महीना दो महीने कहीं ठहर के कर रहे हैं तो वो एज अ पर्सन अपने अंदर चेंज भी देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और वो लाइफ लॉन्ग इट्स पेइंग फॉर दैम इन एनी सिचुएशन सो दिस इज बॉट दे शुड बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको ओवरलुक नहीं करें or uh, actually, by this discussion after that, one realizes. I have realized that this is serious hai. I mean, oh yes. not introspection. Oh yes. Hai. oh yes. You have to spend time with yourself. Oh, I spend daily five to ten minutes uh, before I go to bed. I see myself. Okay, the things, the good things I did, and something bad. Okay, I need to monitor. Audit. Oh yes, I do my relaxation exercises daily. I mean, like I do my relaxation exercises as much as I take water. राइट बिकॉज आई नो अब मुझे कोई इम्तिहान तो नहीं देना या मुझे वो तो प्रेशर्स नहीं है बट आई नो कि ये चीज़ें आपको डैमेज करती हैं मेंटल ओ ओ यस यस और अगर क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका इतना एफर्ट आके जो फाइनल सिचुएशन है उस ब्लंडर हो गया एब्सोल्युटली एबसलो so उसके बाद आपको सेंस ऑफ फेलियर नेगेटिविटी डिप्रेशन ये सारी चीजें तो फिर चल सुचल हैं आपके लिए बिकॉज पता क्या होता है इतने बच्चे आते हैं तो देखो हर एक की फैमिली में घर में कोई ना कोई स्टोरी है कुछ ना कुछ ट्रामा है कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हैं सो समे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर जाती हैं ना अब वो आ जाते हैं और अब यहाँ पर अगर उनको मौका मिले ना तो प्लीज़ मेरा तो इनको मैसेज यही है कि प्लीज़ उनको जो पुरानी चीज़ें उसको छोड़ के अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करो बहुत ज़रूरी है पॉइंट टेकन मिस एंड आई बिलीव के इसके बाद तो लिटरली वन शुड रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट And हाँ मेरे नज़दीक देखिए ना आ, अगर मेरे आगे कैंडिडेट बैठा हुआ है उसने कोई दस मेडल गले में लटकाए हुए बात उससे हो नहीं रही हाथ उसके कांप रहे हैं पसीनों से बुरा हाल है तो क्या मैं उसको सिलेक्ट करूं ही वुड नॉट बी ए वो अपने आप को तो हैंडल नहीं कर पा रहा कल को गवर्नमेंट ऑफिस में जा लोगों के साथ जाके शहरियों के साथ वो कैसे करेगा उसे तो अपना मैनेज तो हो नहीं रहा तो थोड़ा सा आप इंट्रापर्सनल लेवल पर काम तो करें अपना सो ये आई थिंक इट्स मस्ट Thank you so much, for being with us. I think it was really, really helpful, and you comprehensively. Thank time. you. Thank you so much for your time.